साहिबगंज जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को राजमहल स्थित अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ICU ऑक्सीजन पाइपलाइन संबंधित बेड आदि का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नए उपकरणों के इंस्टॉलेशन से संबंधित जानकारी भी ली। इसी क्रम में उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए बनाए जा रहे डेडिकेटेड पीडियाट्रिक वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां बच्चों को दिए जाने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित उपकरणों की जानकारी देते हुए उसे इंस्टॉल कराने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उपायुक्त ने एक चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड बनाए जाने का प्रपोजल देने पर भी विचार किया। मौके पर CS अरविंद कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सब डिवीजन ऑफ हॉस्पिटल राजमहल, जैसा आप सदर हॉस्पिटल में देखा पीडियाट्रिक वार्ड बनाया है, पहले जिले में एसेंशियल था जो यहाँ से शिफ्ट होकर सदर हॉस्पिटल चला, उसके एवज में हम लोगों ने यहाँ पे नया एसेंशियल डेवलप किया है 12 बेड। साथ ही साथ साहिबगंज सदर हॉस्पिटल में हम लोगों ने 20-25 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड बनाया है, वैसा ही हम लोग यहाँ पे भी पीडियाट्रिक वार्ड बनाया है, लगभग 25-30 बेड का। ये जैसा वहाँ जिस स्तर पर हम लोगों ने बनाया है आप लोगों ने देखा ही है, वैसा के वैसा ही यहाँ पे बनाएंगे, जिससे कि आने वाली जो थर्ड वेव कहा जा रहा है उससे भी प्रोवाइड हो सकता है। SNCU भी हम लोग रखेंगे, साथ ही साथ पीडियाट्रिक वार्ड।